तो दोस्तों आपको मैसेंजर में से नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना मैसेंजर ऐप ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपना मैसेंजर ऐप ओपन कर लेते हैं। मैसेंजर ऐप ओपन करने के बाद आपको जिस किसी का भी नंबर निकालना है उसका प्रोफाइल पे चला जाना है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये रोहित अग्रवाल मेरा फ्रेंड है और मैं इसका आपको नंबर निकाल के दिखाता हूँ। तब आप ऐसे करके किसी अपने दोस्त का लड़के या लड़की का नंबर मैसेंजर से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे किसी का प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस रोहित अग्रवाल के प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड में आपको एक इस प्रकार का आइकन मिलेगा। तो इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस आइकन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। उस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम उस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू प्रोफाइल ऑन फेसबुक, व्यू प्रोफाइल ऑन फेसबुक, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करके नीचे आना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका सी यू प्रोफाइल अबाउट रोहित इन्फो, इस तरह का आपको आपका फ्रेंड का देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा। इस तरह का ऑप्शन आने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। चलिए हम उस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका नंबर, रियल नंबर जो है वो निकल के आ चुका है। तो आप ऐसे किसी अपने दोस्त या लड़के या लड़की का किसी का भी नंबर मैसेंजर से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सीखो हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।